ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय अभी तक सोए नहीं पापा? इतनी देर कैसे हो गई? हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू पापा। बेटा हर नए वर्ष के साथ साथ मेरी उम्र ढलती जा रही है और तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। अशोक बेटा तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? पा उस एरिया में अपना ही दुकान नंबर वन पे है। किस बात की नंबर वन है दुकान? महीना खत्म होते होते भाड़ा मुझे देना पड़ता है, ईएमआई का बिल तक तुम मुझसे ही मांगते रहते हो। बेटा अगर तुमसे बिजनेस नहीं हो रहा है बेटा तो छोड़ के इसे कुछ दूसरा काम देख लो ना। ऐसे कैसे पापा? एक चीज बताइए, घर के पिछवाड़े नारियल का झाड़ लगाएंगे तो फल 10 साल के बाद ही मिलेगा ना। उसी तरह बिजनेस में आज माल लगाएंगे तो कल फायदा मिलेगा। अच्छा ऐसा होता है? हाँ पापा। बेटा दोस्तों के साथ पीकर आए हो क्या? क्या बात कर रहे हैं पापा, मुझे तो शराब सूंघना भी पसंद नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ पापा। दोस्त बोले अशोक आज न्यू ईयर है यार, एटलीस्ट आज के दिन दारू पी ले, ऐसा रिक्वेस्ट करने लग गए। मैंने बोल दिया मैं नहीं पीने वाला, पर आप मुझे डांटे इसके लिए उन्होंने जबरदस्ती पिला दिया। ठीक है ठीक है, एक तरह से सोचा जाए तो दोस्तों के साथ खाना पीना बुरा नहीं है, बस तुम बिगड़ ना जाओ इसी ख्याल से पूछ लिया था। दुनिया का हर बाप अपने बेटे पर नजर रखता ही है। हफ्ते में 6 दिन जम के मेहनत करो, उसके बाद 1 दिन रिलैक्स करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बेटा तुमने गलत नहीं किया। मैंने सच में दारू नहीं पी पापा। मैं तुझे कहाँ कह रहा हूँ बेटा, मैं तो उदाहरण दे रहा था। छह उन हरामखोरों के साथ नहीं जाना चाहिए था, आप मुझ पर शक करने लग गए। चुपचाप खाना खाओ। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे भरोसे ही छोड़ दूं, यही चाहते हो ना? अब से मेरे बारे में या दुकान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखना फैमिली का स्टेटस 1 साल में पूरा चेंज कर दूंगा। बाप ने कितनी मुश्किल से इसे दुकान खोल कर दी है और ये यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। बहन जी आप सब्जी लीजिए। जब देखो दुकान के सामने तमाशा करते रहते हैं, नास पिटे इनके दुकान में कोई भी ना आए। स्टॉप इट।
अशोक रोक क्यों दिया? अबे लफड़ा हो गया, अन्ना आ गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर मेरे बारे में पूछे तो बोला मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ तू अंदर है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। ये तू मुंह बंद कर। मैं अन्ना बंद करता हूँ। बोल मेरा पैसा कब तक लौटाएगा? मेरा पैसा नहीं मिला ना तो छोड़ूंगा नहीं, समझ गया ना? क्यों बे, कहाँ है वो? कौन अन्ना जी? वही जो खाली पीली यहाँ दिन भर पड़ा रहता है। खाली पीली तो यहाँ दिन भर सभी लोग पड़े रहते हैं, आपको कौन चाहिए? अरे वही जो दाढ़ी वाला बंदर यहाँ रहता है। अरे बोर्ड पे उसी का नाम है ना उसका। थू, सच बता कहाँ है वो? अन्ना जी आपको वो बात पता नहीं है? कौन सी बात? अन्ना जी वो क्या है ना कि शादी अटेंड करके अशोक लौट रहा था, तभी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसकी उसमें दोनों आगे चली गई। अरे पापियों, क्या बे बेवकूफ बना रहा है? एक्सीडेंट में सिर्फ आंख नहीं जाती, थोबड़ा बिगड़ जाता है। घुसने से सरियों से भरा ट्रक था, सरियों से। ये देख, मेरे बाप ने तिरुपति जाके मेरे कान ऐसे नहीं छिदवाए। उसका आंख गया, कान गया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तू यहाँ मुंह फुला के क्यों बैठा है? जाके अपने बाप से पूछ, जब देखो बड़े की शिकायत करता रहता है। आप क्या शिकायत कर रहा है ये? आप इसी से पूछिए, आप सिर्फ बड़े का ही सोचते हैं, इसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। क्यों बेटा? सुबह से बड़े भाई की शिकायत कर रहा है यहाँ बैठ के। क्यों बेटा? अभी पिछले ही महीने तो कंप्यूटर क्लास के लिए 18,000 रुपए दिए मैंने, और पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? बड़े भैया के खर्चे का कोई हिसाब नहीं है और मुझसे हिसाब मांगते रहते हैं। मगर वो तो बिजनेस कर रहा है बेटा। अरे काहे का बिजनेस, एक दिन मैंने उनसे 250 रुपए मांगे, उन्होंने मना कर दिया, और आप बोलते हैं बिजनेस करते हैं। तो उस दिन उसके पास नहीं होंगे ना बेटा? देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई है, और सच कहूँ तो वो मेरा बड़ा बेटा है। मेरे बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी उसी को तो संभालनी है बेटा, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, भैया अच्छे कपड़े पहने तो उसे पसंद नहीं, अच्छा खाना खाए तो पसंद नहीं, ये जलता है उनसे। ए, जब देखो भैया भैया करती रहती। भैया ने कभी एक छोटी सी हेयर पिन ला के दी तुझे? हेयर पिन ला कर देंगे तो ही भैया कहलाएंगे क्या? ए, तू अपनी नजरों से देखेगा, तेरी बहन की शादी वो बड़े धूमधाम से करेगा, देख लेना तू। तब तो इस जन्म में इसकी शादी भूल ही जाओ आप लोग। ए, तू अपना मुंह बंद कर, जाओ बेटी तुम अपना काम करो। चश्मा लगा के हीरो की तरह पोज दे रहा क्या? तू रुक रहे, अभी आता हूं। सर 20 नंबर की बस चली गई क्या सर? हा? क्यों सर, आप यहाँ हैं नहीं क्या सर? अरे आप तो यही हैं। बस स्टॉप यहाँ नहीं, उधर है सर। ठीक है, थैंक यू सर। उस तरफ जाओ। ठीक है, जाता हूँ सर। चश्मे ने जान बचा ली, वरना अन्ना तो चीर देता। पागल। अब मजा आएगा। भाई साइड में मत जाना, उधर पेड़ है, लेफ्ट में जाओ लेफ्ट। ये लेफ्ट जाने के लिए क्यों बोल रहा है? अरे रे, फिर से टेस्ट कर रहा है इसकी तो मैं। क्या सोच रहे हो, सीधा जाओ सीधा। तुम फिर गलती कर रहे हो भाई, उधर पेड़ है पेड़। तेरी आंख फूट जाए मोटे। सीधे जा बोला, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मेरे अच्छे कपड़े की वाट लगाएगा, हे भगवान मुझे बचा ले। थोड़ा आगे और, हाँ और थोड़ा आगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हेलो सर, ये क्या कहीं भी देख के चल रहे हो? सॉरी मैडम, मैं देख नहीं सकता। I'm so sorry. इस शहर में तो दो आंखों वालों का सड़क पे चलना मुश्किल है। आप तो ब्लाइंड हैं। साथ में एक वॉकिंग स्टिक रखना चाहिए ना। मेरे पास थी मैडम, वो क्या है ना कि यहाँ आते आते मैं उसे बस में भूल गया। मंथ का एंड है ना, नेक्स्ट वीक सैलरी आते ही ले लूंगा। ठीक है, मगर आपको जाना कहाँ है? इस भैंसे से जितना दूर हो सके ले जाओ। हाँ? सिर्फ रोड क्रॉस करा दीजिए बस। चलिए। लगता है ये सचमुच में अंधा हो गया। आराम से संभल के आइए। थैंक यू वेरी मच मैडम, अब मैं चला जाऊंगा। इट्स ओके, एक मिनट। हाँ? थोड़ा इधर आइए। एक्सक्यूज मी, एक वॉकिंग स्टिक दीजिए। अभी देता हूँ। ये 200 रुपए की, ये 120 रुपए की, ये 90 रुपए की। इसका कितना बताया? 200 रुपए। ये वाली दे दीजिए। ठीक है मैडम। हाँ।
मैडम हम लोग कहाँ हैं? बताती हूँ, आप पहले ये स्टिक ले लीजिए। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? अगले हफ्ते सैलरी आते ही मैं खुद ले लूंगा। अगले हफ्ते आपको सैलरी मिलेगी, तब तक रोड तो क्रॉस करना ही है ना। आज तो मैंने आपको रोड क्रॉस करवा दिया, लेकिन बाद में तो यही आपके काम आने वाली है ना। प्लीज ले लीजिए ना, नेक्स्ट टाइम आप मुझे जहाँ भी देखिएगा पैसे लौटा दीजिएगा, मैं ले लूंगी। ओके मैडम। क्या ओके मैडम, आप मुझे कैसे देख सकते हैं? हाँ मैं आपको जहाँ भी देखूंगी पैसे ले लूंगी। ओके चलती हूँ। थैंक यू मैडम। अंधा हूँ भाई, कोई रास्ता दिखाओ। हेलो, कौन? मैं? तुम नहीं, वो मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं टीका नहीं लगाता हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन। अरे वो, अरे ये अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए बोल रही है। इसकी शादी हो गई है। हे भगवान। अरे यार वो बोलना चाह रही थी बिना बताए जा रही है। तो मैं क्या करूं? वो तुझ जैसे सिंगल पतले को लाइन दे रही है, बहुत बड़ी बात है। और तेरे से शादी करने की सोच रही है, और भी बड़ी बात है। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? आप इशारे से क्या बोल रही थी कुछ भी समझ में नहीं आया। आप बिना झिझक के मुझे सब कुछ बता दीजिए। ए पेन की जिप बंद कर, मरे ले। सुनिए जी, सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है। तो क्या करूं? अभी से ही हमारी सुधा के लिए दो चार गहने बनवा लेते हैं, तो आगे हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये बात तो सही कही तुमने। मैं बोल रही थी, आपको एरियर्स के पैसे मिले हैं ना 25,000, उसमें से मैं भी कुछ गहने बनवा लेती हूँ ना, तो। और ये नहीं हो सकता, उससे तो मुझे घर का हाउसिंग लोन भरना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, गहने बन जाएंगे। तो पापा के एरियर्स का 25,000 रुपया आया है, ऐश करूंगा। यार तेरी माँ को हार्ट अटैक आया है। चुपे, ऐसा तुझे नाटक करना है? वो क्यों? पापा के एरियर्स का 25,000 आया है, अपने लिए 10,000 काफी है। ये हुई ना बात। पहले तू अंदर जा, बाकी मैं देख लूंगा। जा। मैं गाना गाऊंगा। दिन क्यों बेटा, दुकान पे नहीं जाना है? जा रहा हूँ पापा। आ जाऊं क्या? आजा, आजा, आजा। अशोक अशोक, मेरी माँ को बचा ले यार। किसी लफड़े में फंस गया क्या? नहीं यार, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है। तो हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? नक्शी बन में। उसके बाजू में जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करके आया हूँ। यार तू 10,000 रुपए देगा तभी डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, मेरी माँ को तू ही बचा सकता है यार। ये क्या बैंक है? पहले मेरे 500 रुपए लौटा दे। 500 रुपया वो भी उसमें जोड़ के दे दूंगा यार। दुकान उधार देने के लिए नहीं खोली है, कमाने के लिए खोली है। चल भाग यहाँ से। अरे यार ऐसा मत बोल, मेरी माँ को सिर्फ तू ही बचा सकता क्यों? है। सिर्फ मैं ही तेरा फ्रेंड हूँ क्या? बाबू, गिरी, सतीश वो लोग नहीं है क्या? जाके उन लोगों से पैसा मांग। ए चुप कर, कब क्या बोलना चाहिए पता है तुम्हें? अरे बेटा नीचे, रुको रुको, तुम यहाँ आओ, तुम इसे पकड़ो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये बताओ? अंकल मेरी माँ को सेकंड अटैक आया है, उनका इंजेक्शन 2,500 रुपए का आएगा और डॉक्टर की फीस, नर्सिंग होम का बिल, दवा और बाकी सब मिला के 10,000 रुपए तक आएगा। अंकल मेरी एक ही माँ है अंकल, आपको कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करना ही पड़ेगा। रुको रुको, ये सुनो, तुम मेरे साथ आओ। ये तो यही रुक, क्या बक रहे थे तुम? वो किसी मुसीबत में है तभी तो यहाँ पैसे मांगने आया है। जब कभी हम पर मुसीबत आती है तो हम भी तो कहीं जाते हैं ना। वो तो ठीक है पापा, लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? जी 25,000 रुपए मिले हैं ना इयर्स के। ऐसा है पापा? आप चुप रहिए पापा, हमारी मुसीबतें क्या कम है? वो पैसे रहेंगे तो बहन के लिए 4 गहने बना लेंगे। अरे बेटा गहने बनेंगे तो सिर्फ अलमारी में रखे रहेंगे, इनकी मदद करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा। लेकिन... बेटा तुम चुप रहो। नर्मदा तुम 10,000 रुपए लेके आओ, तुम मेरे साथ आओ। तुम चिंता मत करो, अशोक के पिताजी बहुत दयालु हैं, वो 10,000 रुपए का इंतजाम कर ही देंगे। बेटा सुनो तो, सुनो यहाँ, अगर मैं पैसे दूंगा तो कब वापस करोगे? अरे यार कब तक वापस दे पाएंगे? अंकल माँ के कारण मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ, 1-2 महीने के अंदर ही मैं ब्याज सहित आपके पैसे दे दूंगा। अंकल ब्याज ब्याज कुछ नहीं, तू बस वापस कर देना। बहुत महान अंकल, आप भी बहुत महान है। अंकल आपके बेटे का मुझे 500 रुपए देना है, मैं वो भी साथ में ला के दे दूंगा। जल्दी नहीं है, तुम जल्दी जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ।
चल तेरी माँ का इलाज कराते तू पहले अपने माँ बाप का ध्यान रख, मैं अपनी माँ को देख लूंगा। एहसान माँ से इतना प्यार करता है। अच्छा हो मैं गहनों की दुकान पे नहीं गई। सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। हाँ पापा सब कुछ अच्छे के लिए होता है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पापा आप मुझ पर भरोसा करते हैं ये बात तो एकदम ओके है, पर मुझे मेरे फ्रेंड पर भरोसा नहीं है। मुझे उस पर डाउट आ रहा है, वो पैसे करेक्ट हॉस्पिटल में पहुँचा रहा है कि नहीं ये देख कर आता हूँ। तेरी तो मैं भरोसा है, मुझे भरोसा है। ए, इसको पटाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं पता है? जल्दी से जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। नहीं मैं और दो साल वेट कर लूंगा। अभी गया अभी आया। तू मत जा। चलता हूँ। ए, डांस मत करना यार, लगता है आज आइटम गई मेरे हाथ से। एक्सक्यूज मी जरा एक मिनट, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम दोनों घर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। वो क्या है कि हाँ बोलो ना। कुछ नहीं, दरअसल वो कालिया खड़ा है ना, काला चश्मा पहन के, वो मेरा फ्रेंड है। तो मैं क्या करूँ? दो साल से तुम्हारे पीछे दुम हिलाते फिर रहा है। पता है तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहा है। वो भी पता है लेकिन वो बात ही नहीं करता है। तो वो आपसे आकर बात करेगा तो आप ओके बोलेंगी? श्योर। अबे बिना खोपड़ी के ढक्कन, येड़े इधर आ। उन्हें ऐसे मत बुलाइए। सॉरी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए ना यहाँ आइए। हाय। हाय। हेलो। हेलो। हाय। ए फॉर्मेलिटी बंद करेगा यार, दो साल से तरस रहा था, आज तूने सेटिंग करवा दी, बहुत बहुत शुक्रिया यार। ए उसके सामने शर्मिंदा कर रहा है, तू इस लड़की को कितना चाहता है, जा इसके साथ बीच पर जा, पार्क में जा, जहाँ जाना है वहाँ जा और प्यार का इजहार कर दे, जा। इतने में नहीं होगा, 500 रुपए और दो। लगता कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है ये। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, पैसे वाले घर की लड़की है। तू एक काम कर, एसी होटल में जाके अच्छे से खर्चा कर ले, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सिर्फ यही नहीं, तुम सब फ्रेंड्स भी आ सकते हो। किस लिए? नहीं सब लोग आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, सबके लिए रूम मैं ही अरेंज कर दूंगी। तेरी तो हेलो। कौन है? मैं हूँ, उस दिन रोड क्रॉस करवा के आपको वॉकिंग स्टिक दी थी ना। ओह सॉरी मैडम, मैंने सैलरी पूरी खर्च कर दी, आपका एड्रेस दीजिए मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ मैडम। वो सब जानने दीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ खड़े होकर मैच कैसे देख रहे हैं? मैच देख नहीं रहा हूँ मैडम, सुन रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अरे तेंदुलकर आउट हो गया क्या? हाँ अब मैच बोरिंग हो गया। हाँ आपने सही कहा, मैच बोरिंग हो गया, आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। बाल बाल बच गया। क्या टेंशन है? कम टू पौंडी बाजार। टकले। क्या यार, ये तो लाइन मारने में सबसे आगे रहता था, आज चुपचाप पेड़ के पीछे क्यों खड़ा हो गया ये? क्या हुआ अशोक, आज चांस नहीं मारेगा? दिन कैसे कटेगा तेरा? अबे 10 मिनट चुप रहे, 10 मिनट के बाद पूरा चार्ज हो जाऊंगा। क्यों, उसके बाद तू परमेश्वर बन जाएगा? नहीं नहीं जहरीला सांप बन जाऊंगा। तुम क्या 10 मिनट के लिए मुझे टाइम दे रहे थे? अब 1 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। देख रहे हो, ड्रीम गर्ल की तरह मिनिमम कॉस्ट्यूम में सीधी चली आ रही है। चुम्मा दो माथे पे, इज्जत दो इज्जतदार को, और हर मरने वाले को कंधा दो, ऐसा जो लोगों ने कहा है गलत नहीं है। बस स्टैंड को रेड लाइट एरिया में बदल देंगे। तुझे क्या हुआ बे? कितनी आइटम है यहाँ पे, मुझे एक भी नहीं मिली आज तक। ओए रास्ता छोड़। मैंने अपनी जिंदगी में इससे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी, अब इस लड़की को तो पटाना ही पड़ेगा।
अरे अरे तो आंख मार रही है, मुझे पटा रही है, मैं चला। इसकी आंख मारने का कोई और मतलब हो सकता है? कुछ देर तुझे भाव देगी फिर भूल जाएगी। ऐसी लड़कियां बस स्टॉप में तुझ जैसे रोमियो को ही ढूंढती रहती है। अगर तेरे जैसा कोई बेवकूफ फंस गया तो उसे ऐसे ही घुमाती रहती है। तेरी जेब खाली हुई तो दूसरा बकरा ढूंढ लेती है, उसके बाद तीसरा चौथा। बकरों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा तेरे बदन को टच किया तो तू समझेगा उससे प्यार करती है। तू उससे एक्सक्यूज मी कहेगा, वो कहेगी स्टूपिड हट, और तेरा पूरा कचरा हो जाएगा। तू बस यहीं खड़े रहे और आती जाती आइटमों को देखकर आहे भर। इतना ज्यादा सोचेगा तो ये लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। तुझे पता मेरी राशि क्या है? कन्या राशि। अभी देख। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर गुड नेम? क्या रे, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुझे, बहुत मस्ती चढ़ी है। चल गाड़ी में बैठ। एक्सक्यूज मी, क्यों इन्होंने कोई बहुत बड़ा देशद्रोह कर दिया है जो अरेस्ट कर रही हो? लड़की छेड़ता है, इसके नाम की कंप्लेंट आई थी मेरे पास। लड़की छेड़ रहा था? क्यों जी, इसी बस स्टैंड पे मैं भी खड़ी हूँ और भी इतनी सारी 10-15 लड़कियाँ खड़ी हैं। हम सबको छोड़ करके तुम उसी एक लड़की को छेड़ रहे हो क्योंकि उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है। बाथरूम वाली ड्रेस अगर ऐसे पब्लिक प्लेस में पहन कर आई तो ये क्या, कोई भी लड़का उसको छेड़ेगा? लड़कियाँ छेड़ने में जिम्मेदार लड़के ही नहीं है, साथ में लड़कियाँ भी हैं। लोहिप में साड़ियाँ पहनती हैं, ब्रा देखे ऐसे जैकेट पहनती हैं। ये देखकर किसी भी आदमी का मन बहक ही जाएगा। सच कहूँ तो एक आदमी का मन बहकाने के जुर्म में उस लड़की को भी गिरफ्तार करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर इन्हें अरेस्ट करेंगी तो इनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। हाँ मैडम, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, इस बार इसे माफ कर दीजिए, जाने दीजिए, दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा। हाँ मैडम। ए, आज तो छोड़ रही हूँ तेरे को, लेकिन याद रख, अगली बार बस स्टॉप पे दिखा ना तो अंदर कर दूंगी। चलो चलो चलो। Excuse me. Thanks. हर समय लड़कियों को छेड़ना, ये कोई बहुत महान काम नहीं किया है तुमने, अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एक्सक्यूज मी। हाँ। सॉरी मैडम, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। हाँ? उस दिन किसी से बचने के लिए मैंने अंधे होने का नाटक किया था, पर जब आपने मुझे वॉकिंग स्टिक खरीद कर दी तभी आपके अच्छे कैरेक्टर को मैं समझ गया। अगर उसी दिन सच बोल दिया होता कि मैं अंधा नहीं हूँ, देख सकता हूँ, तो आपने मुझे जो हेल्प की थी बेमतलब हो जाती, इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। लेकिन कल इसी बस स्टॉप पे कोई दो लोग ईव टीजिंग में फंस गए थे, पर उस वक्त आपने एक लड़की होते हुए भी दूसरी लड़की को गलत बताया और आप जैसी लड़की को मैंने बेवकूफ बनाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी मैडम। अपनी गलती मान लेना एक इंसान का बड़प्पन होता है। इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस दिन मैंने आपको जो वॉकिंग स्टिक दी थी प्लीज वो एक ब्लाइंड को ही दे दीजिएगा। तेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मैंने उसे देखा। हाँ? किसको देखा, कब? अरे दूसरी किसको, वॉकिंग स्टिक वाली को, जॉगिंग में देखा। ऐसा नहीं है यार, मंदिर में उसे पूजा करते हुए देखा। हाँ?
मंदिर से वापस आ जा मेरे यार। हाँ यार। क्या क्या हो गया? मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इतने दिन मंदिर क्यों नहीं गया। कसम से बोल रहा हूँ, उस लड़की से जो शादी करेगा बड़ा खुश नसीब होगा। हाँ तो वो तो तू भी हो सकता है। अरे वो मैं कैसे हो सकता हूँ यार। अशोक तेरा प्यार जा रहा है। क्या बात कर रहा है, प्यार के चक्कर में इसके पास जा रहा, अभी इसकी बैंड बजेगी। एक्सक्यूज मी, क्या है जा रहे कालिए? अगर एक बदसूरत लड़की मुझे कालिया बोलती है तो पता नहीं वो मुझे क्या क्या बोल देगी। मेरे प्यार की तो बैंड बज गई। पापा जरा सुनिए। महीना खत्म हो रहा है बेटा, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं चाहिए पापा। क्या पापा, मैं माँ के पेट में था तब माँ को केसर बादाम एप्पल ये सब दिया होता तो मैं भी लाल लाल बहन की तरह खूबसूरत पैदा होता, है ना? बात तो सही है बेटा, देना चाहिए था, मगर जिस दिन से तू माँ की पेट में आया है उस दिन से ही परिवार पर मुसीबतें शुरू हो गई हैं। क्यों जी, अशोक के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ, इस लड़के के पैदा होते ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। ठीक है चलता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको हैंडसम और गोरा ही होना है ना, बस इतना ही ना। बस 15 दिन में आपको हैंडसम और गोरा बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है? सच में? सचमुच। नमस्ते उस्ताद। नमस्ते। ए अशोक, ये तो वही है। 2 लीटर। 2 लीटर। ओए झिंगूर, उल्टा घूम। हाँ? जरा ये पकड़। साहब इधर आया है ना, ये घूरना बंद कर। देखा, डर गया डर गया, हमेशा मुझसे ही क्यों टकरा जाता है। चलो अपना काम हो गया, ये चाबी दे। पैसे? ये ले, डर मत। थैंक्स। लड़की के साथ आएंगे तो पेट्रोल डालोगे, हम लोग कौन है पता नहीं। आपके बारे में पता है उस्ताद, होली पे देते हो और दिवाली पे वापस ले लेते हो। इस बार दिवाली आने भी नहीं दूंगा, उससे पहले ही ले लूंगा, समझा? सबको समझा देना, ठीक है? ओके उस्ताद। चलता हूँ उस्ताद। थैंक यू उस्ताद। लटका दूंगा उस्ताद। नहीं। ओए। हैं? ओए, अपने को आवाज लगा। ए, चुप बैठना। गुर्ता क्या है बे? गाड़ी से गाड़ी भिड़ा दिया, मेरे साथ भिड़ेगा क्या? धमकी देना अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इंटरव्यू लेटर संभाल के नहीं रख सकते? सॉरी बोलो। सॉरी बोलू, वो भी मैं? ए, ये क्या बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या? सॉरी बोलोगे तो लेटर मिलेगा। अच्छा बाबा सॉरी, चल हट यहाँ से। अशोक यहाँ क्या हुआ, भीड़ क्यों लगी है? अरे हट हट, क्या हो गया? हट हट, ये गाड़ी ने टक्कर मार दी। अरे बेचारा, अरे इसका तो बहुत खून बह गया। अरे क्यों भाई, इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हैं? पुलिस को आ जाने दो, नहीं तो भैया बहुत तकलीफ हो जाएगी। अबे पुलिस आने तक ये मर जाएगा। चलो चलो उठाओ इसको, जल्दी उठाओ। चलो चलो उठाओ। हाय पापा। क्यों बेटा, इंटरव्यू दिया है? हाँ दिया है। क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा, मेरा दोस्त सुंदर टीवीएस के गेट पर 10 से 12 बजे तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता रहा, इंटरव्यू देकर आया है। जब देखो झूठ बोलता रहता है, पता नहीं कब सुधरेगा ये। कसम से गया था पा। कसम से गया था? आ तो ले भगवान की कसम खा। सच में इंटरव्यू देने के लिए गया था पा, पर 90 फीट रोड पे एक बुजुर्ग आदमी को किसी ने उड़ा दिया। उसका बहुत खून बह गया था, रोड पे कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा था, वो दिखने में आपके जैसा दिख रहा था पा। मेरा तो मन नहीं माना, उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया, इसीलिए देर हो गई पा। मैंने गलत किया? गलत ही है बेटा, एक दिन में हजारों लोग मरते हैं, ये देखते रहे तो फ्यूचर का क्या होगा। बस बस, बहुत सोच लिया तुम्हारे बारे में, मेरा ही दिमाग खराब था। सुंदर ने कहा था कि MD से बात कर ली है, तुम्हें जरूर काम मिल जाता, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हे भगवान, तुम पर भरोसा किया मैंने। सॉरी पा। हेलो हेलो, आप यहाँ कैसे? यही मेरा घर है। फिर अशोक कौन है? मैं हूँ। ओह,
तो आपने ही मेरे पिताजी को बचाया है। ओह थैंक यू सो मच अशोक, हॉस्पिटल में आपका एड्रेस देखा, यहाँ मिलके थैंक यू कह दूं इसलिए आई हूँ। अरे तो यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना आओ, बैठो बैठो। माँ कॉफी बनाओ। नहीं नहीं वो सब नहीं चाहिए। तुम कुछ मत बोलो, बस बैठो। मेरा पिया घर आया उरंज में। पापा जितनी चाहिए गालियां दे देना, मगर उस लड़की के जाने के बाद। हाँ अच्छा, तो इसी लड़की के बाप की जान बचाई तूने? कसम से मैं नहीं जानता था वो इसका बाप है। आप जरा यहाँ आइए ना। एक्सक्यूज मी पापा। नमस्ते सर। नमस्ते, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अभी ठीक हैं। अशोक ने अगर टाइम पर आकर पिताजी को नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सब कुछ अच्छा ही करता है ये, लेकिन इसके चक्कर में इसने TVS कंपनी का जरूरी इंटरव्यू छोड़ दिया है। अब फिर से उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके इसे फिर से इंटरव्यू के लिए। ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, ये लो बैठ के पियो ना। थैंक्स, आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू छूट गया। अरे वो सब छोड़ो, तुम बैठो। दूसरे के पास हाथ फैलाकर नौकरी करना भी कोई जिंदगी होती है? अपना स्टाइल अलग है। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अब तो ठीक हैं। अरे मुझे दो। ये मेरा एड्रेस है, कभी टाइम मिले तो फैमिली के साथ। हाँ जरूर जरूर आऊंगा। चलती हूँ। अरे यार ये फिर से लड़े। एक मिनट सर। सर आपको जानबूझकर नहीं ठोका, अचानक एक्सीडेंट हो गया, सब लोग देख रहे हैं। सर जरा हाथ हटाइए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ हटाइए ना। ये उस ग्राउंडर झगड़ा कर रहा है, फालतू में झगड़ा कर रहा है, मुझे लड़ने के लिए उकसा रहा है तू। हाँ अरे रे सर, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, यू वॉन्ट टू किल मी ब्लडी। यू, तेरे को कब से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? सर FIR दर्ज करके छोड़िए मत। यू हैव टू टेक सीरियस एक्शन, यू हैव टू पनिश हिम। सर वो बस इंग्लिश में बात कर रहा है सर, आप उसका यकीन मत कीजिए, हिंदी में सुनिए वही समझ में आता है। हाँ तू अपने मुंह का ढक्कन बंद करके रख। सर इसने इंग्लिश में बात की तो आपने सच मान लिया, मुझे अरेस्ट कर लिया, मेरे एरिया के लड़कों को पता चलेगा ना तो अच्छा नहीं होगा, ये बता दे इसको। देखा देखा सर आपने, कांस्टेबल इसका पैंट उतार दो। अरे नहीं नहीं सर, कल को अगर मुझे कुछ हुआ ना सर तो इसका जिम्मेदार यही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस लॉफर को मैं अच्छे से देख लूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मेरा भी थैंक यू सर। दोस्त कोई बात नहीं, इधर छोड़ के जा रहा है ना तू। कांस्टेबल ये ज्यादा बोले तो इसको अंदर डाल दे। ठीक है सर। अंदर क्यों सर? अरे अरे ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है सर, जो हुआ एक्सीडेंट था सर। क्या रे क्यों पका रहा है? हेलो, जिंदगी में यही आना बाकी रह गया था, यहाँ भी बुलवा लिया इसने, दुष्ट कहीं का। ठीक है सर, अब बिल्कुल आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है सर, नमस्ते, हो जाएगा बिल्कुल सर। ओके सर, रखता हूँ सर। नमस्ते। ओके सर, हो जाएगा सर, रखता हूँ सर। नमस्ते सर। बैठिए, ये नमूना आपका ही है? नहीं है पापा। ए चुप कर। सर छोड़ दीजिए ना, मैं इनका सबसे बड़ा लड़का हूँ सर। ये मेरा बड़ा लड़का है, पुलिस स्टेशन आकर पता चला। ये बार बार एक आदमी को मारने की धमकी देता है, उस आदमी ने अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR दर्ज करवाई है। सर मानता हूँ मैंने उसे बहुत बार धमकाया है, लेकिन आज तो एक्सीडेंट हुआ था सर। मुंह बंद कर बेवकूफ। सर मेरे लड़के से जो भी गलती हुई है उसके अनुसार उसे सजा दीजिए, एक बाप के नाते मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। ए, अपने माँ बाप को पैसा कमा के दे या ना दे समझा, लेकिन उनकी इज्जत को इस तरह मिट्टी में मत मिला। ठीक बोलते हैं सर, बिल्कुल ठीक। सर उस लड़के ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट की है, अगर मैंने FIR दर्ज की तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सुन रहा है तू, तेरे फ्यूचर की ये चिंता कर रहे हैं और तू है कि आवारा की तरह घूमता है। पा कब से समझा रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ चिल्ला क्यों रहा है? एक्सीडेंट हुआ था। ए तूने ये सब जानबूझ के किया या अनजाने में? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस आदमी को कुछ हुआ तो उसका कारण तू ही होगा, समझा? सर आप एक बार कह दीजिए, मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। ज्यादा नाटक मत कर, अपनी सर्विस में तेरे जैसे कईयों को देखा मैंने। सर इस पे साइन कीजिए और इस नमूने को ले जाइए यहाँ से। जल्दी साइन कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। भाई साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन जी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आपके सीने का दर्द कैसा है अब? हाँ? आपका बेटा कह रहा था सीने में दर्द। मेरे? आपको सेकंड हार्ट अटैक आया था, बहुत सीरियस हैं आप। ऐसा कहकर आपका बेटा मुझसे 10,000 रुपए लेकर गया था बहन जी। आप मुझे गलत मत समझिए भाई साहब, जब मेरा बेटा कोयम्बतूर में था तब ठीक था, जब से मद्रास आया है और आपके बेटे से मिला है तभी से ये बिगड़ गया है। आप अपने बेटे पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरे बेटे की वजह से इसका लड़का बिगड़ गया है, बकवास करती है। ये सब कह के उसने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया है। क्या उसके बेटे की वजह से मेरा बेटा भी तो बिगड़ सकता है? खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही थी। हाँ? हाँ? ये अशोक की गाड़ी यहां कैसे खड़ी है? तो फंस गया भैया। शनि भगवान के मंदिर से आ रहा हूँ। सन शनि शराय नमः, सन शनि शराय। तुम दोनों अंदर जाओ। शनि महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्यों जी, ये लोग तो अभी अभी आए हैं। तुम चुप रहो। पापा प्रसाद नहीं चाहिए। ठीक है पापा, मैं जानबूझकर दुकान छोड़कर नहीं गया था। दरअसल मुझे मेरे ज्योतिष ने कहा था कि मेरी कुंडली में राहु केतु दोनों एक साथ हैं। शनि भगवान को तेल चढ़ाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ ने भी यही बोला था। मैंने कब बोला था? तुम्हें चुप रहने को कहा ना। ठीक है माँ, तुम छोड़ो, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं गया था, मगर मैं क्यों गया था क्या आप ये जानते हैं? मैं खुद के लिए कुछ मांगने नहीं गया था, मैं तो ये मांगने गया था कि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे। तेरे शनि देव भगवान पट्टुकोट्टई वाइंस में आए थे? फंस गए यार। चुप। सुनो बेटा। क्या हुआ अंकल? तुम्हारी माँ को आज तीसरा अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और 10,000 रुपए दूं क्या? अंकल मार के थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, जा भागो यहाँ से। ए, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, जाओ बाहर। ए मोटे, तू भी बाहर निकल जा। थैंक्स अंकल। शनिदेव भगवान वाइंस में नहीं, इसके पिताजी के अंदर आ गए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे अंदर कीड़े हैं ना, सारी उतर गए। तो क्या माँ को हार्ट अटैक आया था ऐसा कहकर 10,000 रुपए लेके गया था? उसने झूठ कहा था। ए जी, ये क्या कर रहे हैं? उसे संभाला तो मार डालूंगा तुझे, अंदर जा। क्यों बेटा, मेरे खून पसीने की कमाई एक करके मैंने तेरे फ्यूचर के लिए दुकान खुलवा के दी थी। सोचा था आगे बढ़कर तू हमारा सहारा बनेगा। गुंडे मवाली दोस्तों के साथ दारू पीकर तू अपने बाप को हर दम बेवकूफ बनाता रहा, क्योंकि मैं तेरे साथ एक बाप की तरह नहीं एक दोस्त की तरह पेश आता रहा हूँ। तूने जब जब जो मांगा मैंने तुझे दिया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे प्यार का ये सिला दिया है तूने। अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया मैं, लेकिन तुझे ला कर दी है मैंने। आज भी मैं साइकिल पे ही ड्यूटी करने जाता हूँ, मगर तुझे मोटरसाइकिल ला कर दी है मैंने। मेरे दिल को बुरा लगता अगर तू साइकिल पर जाता तो। एक बाप के प्यार को तूने बेवकूफी समझा है बेटा। एक बात बता, तूने कभी एक रुपया भी घर पर दिया है? तेरी कमाई का एक रुपया भी आज तक इस बदनसीब बाप को मयसर नहीं हुआ। बहुत उम्मीद की थी मैंने तुझसे, मगर अब मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं। मैं कल ही अपनी ये दुकान बेच दूंगा। हाँ तो बेच दीजिए, कौन मना कर रहा है? मैंने कब कहा था दुकान खोल कर दो? ऐसे बोल रहे हैं जैसे दुनिया के किसी बाप ने अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ नहीं किया हो। अशोक तुम चुप रहो। माँ शांत हूँ तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ए, अकड़ क्या रहा है? तेरी जगह अगर किसी कुत्ते को पाला होता तो आज वो भी वफादार बन जाता। हाँ तो उसे ही पालिए ना, उसे ही खाना खिलाइए। मेरे ही कर्म फूटे थे जो इस घर में पैदा हुआ हूँ। ए, उतर नीचे। मैंने सिर्फ दुकान बेचने के लिए नहीं कहा है, ये बाइक भी बेच दूंगा। तो बेच दो। हाँ, और ये लो, ये वॉच, अंगूठी, चेन, ये सब कुछ जाकर बाजार में बेच दो। ए, तूने जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी मेरे ही पैसों के हैं। नंगा जाऊंगा तो आपकी बदनामी होगी। ए अशोक, ए तुझे अंदर जाने को कहा ना। बढ़िया अशोक, अशोक करती हुई।
अशोक तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे घर गई थी। क्या बात है? आज मेरे मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है। हाँ। शाम को एक छोटा सा डिनर अरेंज किया है। मम्मी डैडी चाहते हैं कि तुम डिनर पर आओ। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? नो थैंक्स। हाँ, तुम कल रात को घर पे क्यों नहीं थे? वो सब छोड़ो। अशोक मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम अपने माता पिता की चिंता किए बिना यहाँ एकदम कूल हो, लेकिन वो लोग वहाँ पर तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ और घर जाओ। तुम्हें भी बोल दिया, मगर तुम नहीं जानती कल रात उन्होंने मुझे बहुत डांटा है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी लाइफ के बारे में सोचना गलत है क्या? उनका सोचना गलत नहीं है, मैं उस घर में पैदा हुआ ना, ये गलत है। छे मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नैना, मैंने समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रिया तुम क्यों नाराज? अगर मेरी इज्जत करते हो तो चुपचाप घर चले जाओ। अशोक फिर से आ गया। मार खाएगा बेशरम, ये तेरी कौन सी नई आदत है? कुछ भी हुआ तो घर छोड़ के चला जाएगा। मैं जा रहा था तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना। बिल्कुल बेशरम है। पागल कहीं का। खाना खाया? क्या खाऊंगा, सुबह से 4 इडलियां खाई हैं। चल अंदर चलना। वो नहीं आएगा मगर ये मानेगी नहीं। माँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, किसी और के लिए नहीं, बोल देना। अशोक इन। माँ तुमने खाना खाया? जब तू घर में नहीं है तो मैं कैसे खा सकती? पहले तुम भी खा लो माँ। आओ लो खाओ, खाओ माँ। माँ अब क्या हुआ? 200 रुपए चाहिए माँ। फिर से वही तो सोच रही थी, इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? जा, मेरे पास पैसे नहीं है। माँ 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 छोड़ ना, प्रिया के माँ बाप की वेडिंग एनिवर्सरी है माँ, उन लोगों के लिए गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी ना। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी किसी से उधार ले ली, पिताजी की तनख्वाह आएगी तो दे दूंगी। मुझे खाना भी नहीं चाहिए। ए, खाने के ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रहा है? भैया खाना खाइए। तू बोल रही है इसलिए खा रहा हूँ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर चश्मे बद्दूर, तेरी प्यारी प्यारी अशोक बहुत खूबसूरत है, क्लासिकल ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये मेरा फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल डांस प्रोग्राम था। अच्छा? कामराज हॉल में हुआ था ये। ये आउटलुक मुझे बहुत पसंद आया था, लाइफ में एक ऐसा ही घर बनवाने की इच्छा है। तुम खाओ ना। हाँ, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। खाओ ना। थोड़ा पानी चाहिए था। एक मिनट। एक सेकंड, ये कप दो। अरे मेरी माँ कोई भी चीज बिना बाल डाले बना ही नहीं सकती। सॉरी अशोक, दूसरा लेके आती हूँ। सुनो, लोग कहते हैं कि खाने में बाल हो तो मिलना लगा रहता है। बाल पेट में गया तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, बाल हो या नहीं हो मिलना तो होता ही रहेगा। बच गया। लेट हो गई क्या? नहीं नहीं,
सॉरी अशोक, थोड़ा काम आ गया था। कोई बात नहीं प्रिया। हे भगवान, बोलने जा रहा हूँ, शक्ति देना। स्ट्रेट आई लव यू बोल दू क्या? अबे बेवकूफ, ऐसा मत कर। क्या हुआ? बहुत जरूरी बात करनी थी ना। किस बारे में? प्रिया, तुमसे कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे क्यों घबरा रहे हो? जो कुछ भी हो ओपनली बोल दो। प्रिया, पहले पहले मैंने तुमसे अंधा होने की एक्टिंग की, लेकिन तब तुमने मुझे एक वॉकिंग स्टिक ला कर दी। तुम्हारे अच्छे मन के बारे में मैं तभी समझ गया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स की ईव टीजिंग प्रॉब्लम हुई, फिर मैं अंधा नहीं हूँ ऐसा मैंने तुम्हें आकर बता दिया। मैंने तुमसे कहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, ये सुनकर भी तुमने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझसे हंस के बात की। वो सारी बातें मुझे बहुत बहुत पसंद आई प्रिया। उसके बाद मैंने तुम्हें जब जब देखा है, तब तब पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। मुझे पता नहीं चला कि मैं तुमसे कब प्यार करने लग गया, मुझे ही कुछ दिनों बाद पता चला प्रिया। मैं सच कहता हूँ प्रिया, रोज आईने में जब अपना चेहरा देखता था तो खुद से कहता था, देख अशोक, तू उसके लायक नहीं है, ये सारी बातें मन से निकाल दे। लेकिन प्यार के लिए खूबसूरती जरूरी नहीं, ऐसा तुम्ही ने तो कहा था ना प्रिया, इसीलिए उस दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा। कल ही की बात। बस करो, बहुत हुआ, यही सब कुछ बोलने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? सॉरी, अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब कहने वाले हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे दिल में अगर कुछ ऐसा है तो उसे भूल जाओ। मैं अभी सिर्फ यही कह सकती हूँ, गुड बाय। प्रिया, प्रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रिया, कसम से अगर तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरे मन में जो भी बात चल रही है वो सारी बातें मैं तुम्हें बताने आई हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे एक वादा करो। तुम बेवकूफों की तरह जान दे दोगे, मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहोगे, वादा करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रिया, तुम नहीं मिली तो मर जाऊंगा। इस दुनिया में किसी से भी परमिशन लेके प्यार नहीं किया जाता प्रिया, ये नादान दिल अपने आप प्यार कर बैठता है। अगर तुम नहीं मिली तो देखना, मैं सचमुच मर जाऊंगा।
ए, क्या मर जाओगे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा तभी तुम मेरे प्यार को समझोगी, ठीक है प्रिया? अशोक, वन सेकेंड अशोक, मुझे नहीं पता कि तुम इतने दिल से मुझे प्यार करते हो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी वन साइडेड लव था तुमने मुझे कह दिया। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो मैं समझती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हारा लक्ष्य क्या है लाइफ में? तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये बताओ। कुछ लोगों को डॉक्टर बनना होता है, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी को डांसर, किसी को म्यूजिशियन, इसी तरह किसी को बड़ा आदमी बनना होता है, और कुछ लोग इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, भले ही ना बन पाए लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। इसी तरह हर एक इंसान के मन में एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। आप बताओ तुम्हारी जिंदगी का क्या लक्ष्य है? प्रिया तुम तो बहुत कुछ बोल गई, इसमें से क्या करना है वो मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया? तुम्हारी लाइफ को तुम किस मोड पर ले जाओगे ये तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो फिर तुम मेरे बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हो? प्रिया मजाक उड़ा रही हो, 4 लाख रुपए रखकर बिजनेस किया था, लॉस हो गया, मैं क्या करूँ? लॉस हो गया? मैं जो कह रही हूँ उसको गलत मत समझना। कचरा चुनने वाला अपने कंधे पर गोनी रख के पूरे शहर से कचरे को चुन चुन के एक दिन का 100 रुपया कमाता है, और वो इस काम में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम पर भरोसा करके 4 लाख रुपए तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, और तुमने उस बिजनेस को एंटरटेनमेंट समझकर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर सारे पैसे उड़ा दिए, और आज कहते हो कि लॉस हो गया। लॉस हो गया ये बात बड़ी आसानी से कह दी तुमने। उस पैसे को कमाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितने कष्ट उठाए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है? अपनी माँ के लिए कभी साड़ी लाए हो? बहन को कभी बिंदी लेकर दी है? भाई के लिए कुछ किया है? जो पूछ रही हूँ उसे गलत मत समझना। तुम हर महीने हेयर कटिंग कराते हो, उसके लिए कभी तुमने खुद 25 रुपए कमा कर खर्च किए हैं क्या? ये सब नहीं सोचा, लड़की के बारे में सोच रहे हो, तब तो सेल्फिश हुए ना। तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या खोया है ये सोच के देखो। तुमने अपना आत्मसम्मान, दुनिया के सामने अपनी मान मर्यादा, माँ बाप की इज्जत, विश्वास और उनकी ममता, ये सब कुछ खो दिया है। बचा क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं बचा है। अरे कौन कैसा है क्या है ये सब कुछ जाने बिना उससे प्यार करके कहते हो कि मैं उसके बिना जा ही सकता? तुम अशोक पैदा होके सिर्फ अशोक रह के मर जाना चाहते हो? तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे पिताजी का नाम काफी नहीं है, तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। तुम्हें सारी दुनिया जाने ये जरूरी नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे आसपास के लोगों को तो तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं कर रही हूँ अशोक, भगवान सबके अंदर एक अच्छा गुण छिपा के रखता है, वो क्या है उसे बाहर निकाल के लाओ। तुम्हारे अंदर जो गुण है उसे दुनिया को दिखाओ, उसके बाद तुम्हें सब ढूंढते हुए आएंगे। प्रिया संसार में लड़की को प्यार करने के लिए एक मर्द की मर्दानगी काफी होती है ऐसा सुना था, पर उस मर्द की कुछ हैसियत भी होनी चाहिए, ये आज तुमसे जाना है। इस वक्त मैं 0 हूँ प्रिया, पर अगर तुम बस एक बार कह दो तो दुनिया में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम कौन हो ये प्रूव करो अशोक, उसके बाद मैं क्या, तुम्हारे पीछे हजारों लड़कियाँ आएंगी। हजारों लड़कियाँ नहीं चाहिए प्रिया, बस तुम एक बार हाँ कह दो। तुम हाँ कह दोगी तो ये दुनिया मेरे लिए रोशन हो जाएगी, तुम ना कह दोगी तो अंधेरा छा जाएगा। कसम से कहता हूँ प्रिया, तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। बस एक बार कह दो कि तुम मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे साथ हो ना प्रिया। तुम कौन हो ये प्रूव करो। मैं हूं, मैं हूं। Happy birthday, my dear son. Thank you, daddy. Big blessing with you, mom. daddy? Yes. इस जन्मदिन के लिए मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहता हूँ।
तुमने अब तक जो कुछ मांगा मैंने कभी ना बोला बेटा। बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सच में देंगे? अच्छा डैडी, तो मैं आप पे भरोसा करूं कि मैं जो मांगू आप दोगे? श्योर? श्योर। मम्मी आप बोलो ना बेटा, जरूर देंगे। प्रिया, मैं प्रिया से पिछले 2 साल से प्यार करता हूँ डैड। अरविंद, तुम्हारे घर में सब मेरे बारे में क्या कहते हैं? तुम्हारे बारे में नहीं, वो सब लोगों को मैं पसंद तो हूँ ना। हाँ तुम सबको पसंद हो, बट पता है तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं। उस दिन उनको देखने से मुझे ऐसा लगा था। नहीं नहीं, मेरी माँ को तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी को तुम जरा भी पसंद नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं उससे शादी करूंगा। ठीक है, तो उसी से शादी कर लो, किसने रोका है? जरूर शादी कर लेता, लेकिन अभी नहीं, और 15 साल के बाद। हाँ? क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। तुम मुझसे जो कर रहे थे, स्काउंडरल। आई नहीं अभी तक, लगता है इसी गाड़ी में है। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, जब देखो पीछे आता रहता है। अरे, तुम्हें क्या चाहिए? अरे वो कुछ नहीं जी। कुछ नहीं चाहिए तो रोज पीछे क्यों आते हो? अरे नहीं, वो कैसे बोलना है मुझे आता नहीं है। मैं तुमको बहुत पसंद हूँ, यही ना? हाँ जी। मुझसे प्यार करते हो? सही कहा। तो फिर ठीक है, शाम को 5 बजे टिप टॉप रेस्टोरेंट आना, वहीं बात करेंगे। एक मिनट, जरा इधर आ, इधर। क्यों मारा बे तूने? वो मुझे प्यार करती है दोस्त, वो मुझे प्यार करती है। ये पकड़, ये पकड़। हाय, इतनी जल्दी पट गई। मैडम आपका नाम क्या है? प्रिया। नाइस नेम। माय सेल्फ गोविंद। योर ड्रेस इज ब्लू एंड माय ड्रेस इज आल्सो ब्लू। देखो कैसे कलर मैच हो गया, ऐसे अपनी जिंदगी का कलर भी मैच हो जाएगा। ये अपनी फर्स्ट मीटिंग है, चलो स्वीट से शुरू करते हैं। नहीं, सिर्फ कॉफी। कॉफी? ए बेटर, 2 कॉफी क्विक। मैडम, मैं बस स्टॉप पर तुम्हारे पीछे रोमियो की तरह घूमा करता था, इसलिए तो मुझे साधारण आदमी मत समझना। रुपयों पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। सुंदर नगर में मेरा एक हाउस बोट क्लब और 3 बंगले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ये चेन देख रही हो, ये 578 ग्राम की है, लेकिन इसके अंदर का जो डायमंड है वो इससे भी महंगा है। मेरे पास सिर्फ ये चेन ही नहीं है, मेरे घर में किलो के हिसाब से तिजोरी में सोना रखा हुआ है, जो मेरी होने वाली अर्धांगिनी को मिलेगा। आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी लकीस्ट गर्ल। मी टू। हेलो, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये सब दो प्रेमी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और तुम हाय बोलकर खाली पीली में यहाँ बैठ गए। उठो यहाँ से। मैंने बताया था ना, ये वही है। आप घबरा क्यों रहे हैं सर? रिलैक्स। ना ना, मैं रिलैक्स ही हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ कह रही थी। काफी शराफत से आप इनके पीछे पड़े हो। यस सर। योर गुड नेम? गोविंद। आप प्यार कर रहे हैं वो गलत नहीं है गोविंद जी, लेकिन आपने जिस लड़की को प्यार के लिए चुना है वो सिलेक्शन गलत है, क्योंकि मैं और ये पिछले 2 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्चुअली मैंने इसे कहा था कि वो तुम्हारे प्यार को सीधे सीधे ना कर दे, तब इसने क्या कहा पता है? क्या कहा? आप बहुत ही सेंटिमेंटल किस्म के इंसान हैं, जरा सी बात भी दिल पे ले लेते हैं। एक्चुअली सर आपको इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम चुप करो। मैडम कुछ भी हो मेरे प्यार को आप समझ लेंगी, इसी विश्वास में मैं यहाँ दौड़ा चला आया, पर आपने तो मेरी पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। एक बार मेरे बारे में सोच के तो देखिए, क्या मेरे लिए कोई चांस नहीं है मैडम? हेलो, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? ए, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिया से बात कर रहा हूँ। ए, तुम पागल हो गया? देखा ना प्रिया, एक छोटी सी बात के लिए कितना टेंशन ले रहा है। ये बीपी का पेशेंट है, इसके साथ जीवन बिताओगी तो मैं कसम खा के बोलता हूँ ये छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम मुझे लात भी मारोगी तो मैं उसे खा लूंगा और पलट के तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। प्रिया तुम अपना फैसला बदल दो। अरविंद चलो, बहुत हो गया, बहुत इज्जत देती तुझे। ब्रदर तुम एक डिसेंट गुंडे हो, ये मुझे पता चल गया है। होटल में सब लोग हमें देख रहे हैं, हम लोग भी बहुत डिसेंट हैं। प्लीज अपना हाथ हटाओ ना, हटाओ ना यार, हटाओ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द लव अगेन, टेक इट इजी, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके बाय बाय। बैठो।
आप लोग खाइए खाइए, ओके बाय प्रिया बाय। हे प्रिया सुनो, मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैं लास्ट तक कोशिश करूंगा, कल तुम्हें फिर मिलूंगा, पक्का वादा है। अशोक से मैं ये बताने गई थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और एक लड़की के लिए आत्महत्या करना गलत है, मगर वो लास्ट तक यही कहता रहा कि तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं उससे कैसे बचूं? मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। अगर मैं उसको नहीं बोलती तो वो जरूर सुसाइड कर लेता। उसकी ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। उसे मुझसे प्यार करने का हक है, ऐसा वैसा बोलकर मैंने उसे अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो लास्ट समय तक मैं उसका साथ दूंगी तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, बस ऐसा ही बोलता रहा। मैं कसम खा के कहती हूँ कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने ऐसा झूठ बोला कि मैं उसका साथ दूंगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सही लगा। उसे मोटिवेट करके बड़ा आदमी बनाना ये मेरा लक्ष्य नहीं है। उस बेवकूफ इंसान के अंदर आत्महत्या की जिद को बाहर निकालने के लिए ही मैंने ऐसा बोला। अरविंद, क्या ये गलत है? ओके, कहीं वो सुसाइड ना कर ली इसलिए तुमने ऐसा कहा ना, और कहीं उसने अपनी लाइफ में तरक्की कर ली और तुमने जो कहा वो उसने प्रूव कर दिया, तो उस समय तुम क्या करोगी? बताओ ना प्रिया। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता वही प्यार के पीछे भागता है, लेकिन एक अचीवमेंट पूरा करने के लिए हर एक को अपना लक्ष्य बड़ा लगता ही है, और वो प्यार को छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागता है। कल तक मेरे पीछे भागने वाला अशोक अगर मेरी वजह से आगे बढ़ता है तो उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, और वो इस बात को जरूर फील करेगा कि एक दिन उसने एक लड़की के लिए आत्महत्या करने की सोची थी। उसे ये महसूस होगा कि अरे रे, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उस समय अगर मैं उससे कुछ भी बोलूंगी तो वो समझ जाएगा, लेकिन आज मैं अगर उससे कुछ कहूंगी तो वो नहीं समझ पाएगा। अरविंद, रियली अरविंद, तुम अगर अशोक से मिलोगे ना तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि वो कैसा आदमी है। मैं भला उससे क्यों मिलूं? प्रिया, मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशोक सुधर रहा है। हाँ? सब दिखावा कर रहा है, देख लेना एक दिन इस पेपर को भी बंद करवा देगा। सर, यस, नमस्ते सर। व्हाट डू यू वांट? सर, हम लोग मिलकर फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं। इस बैंक से अगर लोन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज कॉन्टेक्ट टू आवर मैनेजर। इन्होंने क्या कहा? हमें लोन नहीं मिलेगा कह रहा है। तू अपना मुंह बंद कर, मैनेजर से जाके मिलो, यही कह रहे हैं ना सर आप? जी सर। ठीक है सर। यहाँ हमें लोन नहीं मिलेगा। क्यों? वो देखो। अरे बाप रे। हम लोग यहाँ हैं, अगर उसे पता चल गया तो वो हमारे कपड़े उतरवा के बाहर फेंकवा देगा। बाहर फेंकवाए तो ठीक है, बैंक में उसका खून करने आया ऐसा बोल देगा तो हम अंदर हो जाएंगे। चलो चुपचाप चल। पता नहीं था कि यही मैनेजर है। ये लीजिए
और कुछ लेंगे क्या सर? मेनू बड़ा लेना। ए, बिना मतलब के उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन आज जरूरत के वक्त वही वहाँ आके बैठा है। क्या करें, लाइफ में हमने बहुत गलतियाँ की हैं, अब पछताने से क्या फायदा। या अल्लाह। कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर पैसा नहीं दे सकते तो जाके मर जाओ, मुझे क्या बेवकूफ समझा है। 3 साल से तुझे छोड़ रहा हूँ, खाना तो तीनों टाइम का खाता है ना, जो मन में आता है वो ड्रेस पहनता है, बीवी रोज सुबह सुबह तुम्हारे घर के आंगन में रंगोली बनाती है ना, जो फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है परिवार के साथ देखने जाते हो ना, और पैसा देने के टाइम नाटक। भाई लौटा दूंगा। इससे बात करके कुछ नहीं होगा, अरे भाई दुकान ही तोड़ डालते हैं, तभी अपना पैसा मिलेगा। तोड़ डाल सब कुछ। अरे 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 भाई, मेरी बात तो सुनो भाई, निकल मैं। अरे भाई भाई, मुझे छोड़ दो भाई, मैं सब पैसे लौटा दूंगा आपके भाई, मुझे माफ कर दो भाई, ये सब बर्बाद मत करो भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, रोक लो भाई इनको, आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा भाई, इन लोगों को रोक दो भाई। मेरे बारे में तू जानता नहीं है, ये तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू जो तारीख बताएगा मैं उस तारीख पे आऊंगा, अगर पैसा नहीं दिया ना लौटा दूंगा भाई। ए, आ रे। दुकान बेचकर पैसा चुका के मैं बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिलता। सुनिए, आपसे कुछ पूछता हूँ, गलत मत समझिएगा, आपका दुख देखा नहीं जाता, ये दुकान आप हम लोगों को लीज पर दे सकते हैं क्या? कितना पैसा देंगे आप? अभी तो देने के लिए कुछ पैसे नहीं है, लेकिन एक चीज है, वो जो आप पर चिल्ला के गया है ना, उसको कितने पैसे देने हैं अगर आप बता देंगे तो हम उसके पैसे 3 महीने में लौटा देंगे। मैं आप लोगों को पहचानता नहीं, फिर मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? मैं जो कह रहा हूं उसे गलत मत समझिएगा, आपको 3 साल से उधार देना है, आपने कितनी बार उसे जबान दी होगी, उसके बाद वो गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करके चला गया, फिर आपने उससे 3 महीने का समय मांगा है, आप पर भरोसा करके वो चला गया है, तो जो भरोसा उसने आप पर किया है वही भरोसा आप मुझ पर भी कर दीजिए। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा परिवार तो है ना, कैसे भी करके मुझे 2.5-3 मिलता है, उससे हमारा गुजारा हो जाता है, अगर इसको भी पैसा लिए बिना दे दिया तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है सर। चलते हैं भाई। ए, स्टॉप उठा के अंदर रख और बाकी सामान ठीक भी। ठीक है भाई। आयशा, हाँ? जल्दी खत्म करो। हाँ हाँ। क्या है भाई? गलत मत समझिएगा सर, फिर से आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपकी तकलीफ को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, सुबह आपसे बात की थी तो इससे जो कमाई मिलती है उसी से आपका परिवार चलता है ऐसा आपने कहा, लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको 1 दिन का 300 रुपया दूंगा, सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह जो आदमी आप पर चिल्ला कर गया उसका उधार खत्म करके इस गाड़ी का पैसा मिलाकर ये सब इस 2 महीने में मैं वापस कर दूंगा, ये आपसे मेरा वादा है सर, ये मेरा एड्रेस है, मेरा खुद का घर है, आप आकर मेरे घर पर देख सकते हैं, आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा, बिना बेचे इस पर धंधा करेंगे यही आपने कहा था ना, मैं फिर से मांग रहा हूँ, दे दीजिए, जीत कर दिखाऊंगा। सर आप क्या लेंगे? ए राजा, आज यहीं पर डिनर कर लेते हैं। ठीक है यार। और आप? बैठो बैठो। अरे ये यहाँ पर? हाँ, तू क्या लेगा राजा? कुछ भी मंगा लो। ये फास्ट फूड तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन अच्छा मेंटेन किया है। You don't have sense, nonsense. Oh, तो ये इनका होटल है। ए, हम लोग यहाँ नहीं खाएंगे, चलो कहीं और चलते हैं। क्या हुआ? ए, चलो यार। ये लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। ए, बेटा, come on. तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट? अच्छा ठीक है। सर सर सर, आप मुझसे नाराज होकर जा रहे हैं ये मैं जानता हूँ, आज तक बेमतलब मैं आपको तकलीफ देता रहा सर, उस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर कस्टमर को ऐसे उठकर नहीं जाना चाहिए, अगर आप जाएंगे तो आपके साथ 4 लोग जाएंगे और कल 40 लोग चले जाएंगे, आप जैसे कस्टमर्स के भरोसे ही तो धंधा चलता है, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। ए, सर ने हमें माफ कर दिया। आइए सर, आइए आइए ना सर। लगता है तुम काफी बदल गए हो। सर आप जानते हैं मैं कब बदल गया, एक बार जरूरत पड़ी तो बैंक में लोन लेने के लिए गया था सर, तब मैनेजर की रूम में झांक कर देखा तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लग गया सर, बेकार में एक अच्छे आदमी को तकलीफ दी, उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। चलो गलती का एहसास तो हुआ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आके जरूर मिलना। ओके थैंक यू सर, आइए।
अपनी कमाई का एक रुपया भी मयस्सर नहीं हुआ इस बदनसीब बाप को कभी। माँ, मेरे पैरों में पायल किसने पहनाई है? ये साड़ी कैसी है? अच्छी है। साड़ी और पायल तेरा बड़ा भाई लेकर आया है। क्या भैया, सभी को सुबह सुबह सरप्राइज दे रहे हो? अब ऐसा सरप्राइज बार बार मिलेगा। पायल पसंद है ना? बस कुछ दिन रुक जा, सोने का हार लाकर दूंगा। ओए, देखा ना उस दिन क्या कह रहा था, भैया ने कभी हेयरपिन लाकर दी है? ये देख, पायल लाकर दी है। ए, तू तो ऐसे ऐसे ताने मार रही है जैसे ये कोई अजनबी है। ये मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई। तू रुक छोटे, अभी बताता। बहुत ही मस्त फिटिंग है। अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतना अच्छा कुर्ता कभी नहीं पहना। गुड। रात को ही देने वाला था मगर तू सो गया था, कैसा है बता? आपको थैंक्स भैया। भैया को थैंक्स नहीं बोलते। भैया हाँ, मेरे साथ भी करो ना भैया। रेडी है? रेडी। ए, कॉलर छोड़ ना मेरी। छोड़ कॉलर। तुझे तो अरे क्या समझाया, फिर भी समझ में नहीं आता तेरे। बदतमीजी कर रहा है तू, मुझे हर बार डिस्टर्ब क्यों करता रहता है? मैं तुझे क्यों डिस्टर्ब करूंगा? अच्छा सुन, जब तक तू उस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधेगा मैं ऐसे ही चांस मारता रहूंगा। तुझे तो मैं हाथ हटा, टाइम हो गया, वो आने वाली है। सर क्या प्रॉब्लम है? अब तू ही बता यार, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। ये पता होने के बावजूद भी ये उसे बहुत परेशान करता है। एक दिन इसे बुलाकर हम दोनों ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच है, लेकिन ये हमेशा उस लड़की को टॉर्चर करता रहता है। क्यों भाई, इन्होंने कह दिया ना कि ये लड़की से प्यार करते हैं, तो फिर तो क्यों बार बार उन्हें डिस्टर्ब करता है? What is this confusion? मैं भी उस लड़की को प्यार करता हूँ। ये कन्फ्यूजन तो होगा ही, तू सच्चे दिल से उस लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की तो सच्चे दिल से इनसे प्यार करती है। आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ बता। आपको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। यू आर ए स्मॉल बॉय। दोस्त, इस जमाने में मियां बीवी एक छोटे से प्रॉब्लम को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। ऐसा होने के बाद भी वो लोग प्यार ही करते हैं ना। इस जमाने के प्यार के बारे में आपको पता है? सुबह वो साथ रहेंगे और शाम को झगड़ा करेंगे। बस उसी दोपहर के समय तो मैं चांस मार रहा हूँ यार। तूने एक और फालतू शब्द बोला ना तो यही तुझे गाड़ दूंगा, बता देता हूँ। उस्ताद, आप इस एरिया के गुंडे हैं, मुझे पता नहीं था, प्लीज मेरी कॉलर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, थैंक यू, हम दोनों दोस्त हो गए हैं अब। ओके सॉरी यार, टेक इट इजी, एंजॉय, बाय। ए ऑटो कंपोस्ट, जल्दी आओ, बाय दोस्त, बाय। ए चल चल चल, निकल ले, चल चल। ए अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार 5 ऑटो के साथ आऊंगा, फिर देखता हूँ कौन किसकी समाधि बनाता है। यही रुकना, आके दिखाता हूँ तुझे। अगर इसने फिर कुछ किया ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ओके थैंक यू, ओके सर, बाय। आप जाइए। हाय अरविंद। हाय प्रिया, तुम बिजी हो क्या? नहीं, बस बुक पढ़ रही थी। नहीं कुछ नहीं, आने वाले मंडे को मैंने लीव ली है। किस लिए? वो सब मुझे नहीं पता, बस एक पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ।
सुबह में मंदिर, दोपहर को मूवी और इवनिंग में बीच पर शाम को ठीक 6:30 बजे तुम अपने घर पर आराम से जा सकती हो और मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। पर ये सब प्रिया, वन सेकेंड अरविंद, क्या है माँ? फोन है बेटी। हेलो, हाय प्रिया, मैं अशोक बोल रहा हूँ। क्या है अशोक? कुछ नहीं प्रिया, मैं खुद का एक होटल खोलने वाला हूँ, तो तुम अगर आकर उसका उद्घाटन करो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं किस लिए आऊँ अशोक, किसी वीआईपी से उद्घाटन कराओ ना। नहीं प्रिया, मेरी लाइफ में तो तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कब ओपन कर रहे हो? इस आने वाले सोमवार को। अरे उस दिन तो मुझे एक बहुत जरूरी काम है। होटल शुरू करने के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। ओके कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कैंसिल कर दूंगा, जब तुम्हें मौका मिलेगा तभी फिर से अरेंजमेंट करूंगा, तुम कहोगी तभी इनविटेशन भेजूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी। थैंक यू प्रिया। अरविंद। क्या हुआ? कुछ नहीं अरविंद, आई एम सॉरी अरविंद, मंडे को तो मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? ट्यूसडे को चलते हैं ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज अरविंद। ओके। हेलो सर। हाय अशोक, हाउ आर यू? फाइन सर। आइए सर, आइए ना। हेलो, हाय अशोक, टाइम हो गया। हाँ तुम जाके रेडी करो। हाँ अशोक, ये लो तुम्हारे लिए, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे ये क्या, अभी तक रिबन नहीं काटा? दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ सर। सर आज मैं इस मकाम पर उन्हीं की वजह से पहुंचा हूँ। आपको कहीं जाने की जल्दी है सर? नो प्रॉब्लम, वेट करता हूँ। ओके सर, सर के लिए ठंडा लेकर आता हूँ। बैठिए ना सर। हाँ बैठिए। ए तू यहाँ खड़ा रह के क्या कर रहा है? अंदर जाके तैयारी कर। अरे प्रिया का वेट कर रहा हूँ, वो आएगी ना। अरे जरूर आएगी, चल। थैंक यू, आओ ना। सॉरी अशोक, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, काटो। माँ पिताजी नहीं आए? नहीं, ऐसा कहते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले तिरुपति जाना चाहिए, तो माँ पापा भाई बहन सब वही गए हैं, और वैसे भी अच्छा हुआ वो लोग नहीं आए। क्यों? मेरे इस होटल का उद्घाटन मैं प्रिया से ही क्यों करवा रहा हूँ? ऐसा अगर पापा पूछ लेते तो मैं उन्हें क्या जवाब देता? तुम रिबन काटो ना। प्रिया ने मेरे उस होटल का उद्घाटन किया और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अरविंद की बैंक ने मेरा लोन पास कर दिया।
मैंने सुधा की शादी करा दी। का हाथ क्या लगा, कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी। शहर में मेरे होटल वेलकम ग्रुप का नाम सबसे मशहूर हो गया। इट्स अ पैनासोनिक, ये अभी का लेटेस्ट मॉडल है मैडम। कैसेट प्लेयर सिस्टम विद कॉपियर, ओके, ग्राफिक इक्वलाइजर, 2A स्पीकर सिस्टम विद FM। ये कितने का है? ये 6000 विद टैक्स। आप लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से, जिन्होंने पूरे देश में बहुत नाम कमाया है। मेरी और सरिता की तरफ से हेलो, बोलो अरविंद, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, मैं अशोक बोल रहा हूँ। प्रिया, क्या है अशोक? तुम पहले खुद को प्रूव करके दिखाओ, ऐसा तुमने मुझसे कहा था, और अब वही अशोक कल सुबह टीवी पर इंटरव्यू देने जा रहा है। दुनिया में कोई वो इंटरव्यू देखे या ना देखे, मगर तुम जरूर देखना। तुम देखोगी ना प्रिया? बोलो ना प्रिया। देखूंगी। थैंक यू। प्रोग्राम शुरू होने वाला है, कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ आ रही हूँ बेटी। नर्मदा आ जाओ,
ये देखो अशोक आने वाला है टीवी क्या पर। हुआ आ गया क्या तुम्हारा भाई आ जाएंगे बैठिए अरे सही। और कितना टाइम है ए, हा? अपनी बकबक बंद करो प्रोग्राम देखने दो हाँ, आ गया बेटा ए, किसी और को भी देखने दोगी आप भी ना नमस्कार सन टीवी के चाहने वालों को मेरी और सरिता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं तमिलनाडु के सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस प्रोग्राम में चेन्नई के सबसे बड़े बिजनेसमैन वेलकम ग्रुप के मालिक श्री अशोक कुमार जी हमारे बीच हैं अशोक जी नमस्ते नमस्ते सर आपकी इस कामयाबी के बारे में कहा जाता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं एक साधारण फास्ट फूड से शुरुआत करके आज चेन्नई में बहुत से जरूरतमंद लोगों को रोजगार ही नहीं दिया बल्कि उनके जीवन को बेहतर भी बनाया है आपने दुनिया में कितने सारे बिजनेस हैं, लेकिन आप इस सिर्फ होटल के बिजनेस से क्यों जुड़े सच कहूँ तो मुझे जीवन में किसी बात की चिंता नहीं थी आवारों की तरह घूमता रहता था एक दिन कुछ कर गुजरने की इच्छा मेरे मन में जागी कुछ भी करके आगे बढ़ने की सिर्फ इच्छा थी आज ये व्यापार किया तो कल कुछ भी कर लेंगे ऐसा सोचा था तब मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर यही व्यवसाय करने की ठान ली हमने सोचा इसी व्यवसाय में आगे हम बड़ा काम कर सकते हैं यही सोचकर हमने होटल का व्यापार शुरू किया सर अभी आपने कहा मैं आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता था एक दिन आपके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा जगी जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई उस एक दिन के बारे में बताएंगे आप वो एक दिन मेरे लिए बहुत खास था मुझे बदलने वाला मेरा प्यार था प्यार जी हाँ ये आप क्या बात कर रहे हैं अशोक जी मुझे पता है वो कौन है माँ कौन है बेटी सस्पेंस ऐसा कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है मेरी भी यही कहानी है मुझे भी इस मकाम पर पहुंचाने वाला और कोई नहीं मेरा प्यार ही है मैं अपने भविष्य के बारे में जाने बिना आवारा की तरह घूमने वाला एक लड़का था मुझे मेरा भविष्य समझाकर आज मुझे ये मान सम्मान दिलाने वाला मेरा प्यार ही है आज मुझ में जो ये बदलाव आया है ना मेरे प्यार की वजह से सबको जिस तरह प्यार होता है उसी तरह मुझे भी एक लड़की से प्यार हो गया और मैंने प्यार का इजहार कर दिया उसने पूछा मेरा दुनिया में क्या लक्ष्य है और उस एक सवाल की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ इसका मतलब आपकी कामयाबी के पीछे आपका प्यार ही है यही कहना चाहते हैं ना आप जी हाँ तो सर क्या उस लड़की ने आपके प्यार को स्वीकार कर लिया है वो जरूर स्वीकार करेगी जब मैं उसे चाहता था तब एक साधारण आदमी था उसने कहा कि इस दुनिया में तुम कौन हो ये प्रूव करो मैं तुम्हारे साथ हूँ उसे पाने के लिए मैंने अपने आप को प्रूव किया और आज मैं एक कामयाब आदमी बनकर आपके सामने बैठा हूँ मेरा प्यार शर्मिंदा ना हो और समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा बने इसीलिए मैंने ये सब किया है इस प्यार ने मुझे एक सबक सिखाया और मेरे अंदर के गुणों को दुनिया में उजागर कर मुझे सम्मान दिलाया मेरे अंदर के इस अशोक को उसने जगा दिया आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं ये वो भी देख रही होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मुझे कामयाब देखकर मैं उससे कितना प्यार करता हूं ये वो जान गई होगी बेटी तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया तो क्या करूँ माँ उसकी तरक्की का कारण उसकी अपनी मेहनत और लगन है वो सब छोड़कर प्यार मोहम्मद की न जाने क्या क्या बातें कर रहा है वो लड़का उससे कितना प्यार करता पता है उसे पाने के लिए उसने अपनी जिंदगी बदल दी तुम क्या कहती सुधा हे भगवान आप लोग आर्गुमेंट बाद में कर लेना पहले टीवी ऑन कीजिए क्या कहा वेलकम ग्रुप वाले अशोक कुमार ये वही अशोक है प्रिया उसे तो बिल्कुल अकल नहीं थी रास्ते में आते जाते लोगों को बिना मतलब के परेशान करता था लेकिन वो अचानक इतना बदल गया मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई रियली आई एम वेरी हैप्पी ए मैं सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ और तुम्हें इस बात से बड़ी खुशी हो रही है प्रिया तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो अशोक मेरा अच्छा फ्रेंड है उसकी लाइफ सेटल करने के लिए मैंने भी उसकी हेल्प की है तुम चिंता मत करो मैं उससे बात कर लूंगा जब उसे पता चलेगा कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं तुम यकीन करो वो हमारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा ए, इसे क्यों कट कर रही हो अरविंद ये घर देखो ना कितना सुंदर है ओह फैंटास्टिक एक्सीलेंट प्लानिंग फ्यूचर में हम दोनों ऐसे ही सुंदर से घर में रहेंगे तुम मुझे ऐसा घर बनवा के दोगे ना जरूर इसे संभाल के रखना बिफोर मैरिज आई विल बिल्ड इट थैंक यू घर में होने वाला ये पहला अच्छा कार्य है इसी घर में मैं शादी करूंगा इसीलिए वक्त पर सब काम पूरा हो जाना चाहिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए ये मेरा काम है
आपने जितना टाइम दिया है उससे पहले काम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, जो मैंने कलर बताया था वो। अरे हेलो सर, आप यहाँ कैसे? बस यहीं से जा रहा था। आप जाइए। रास्ते में जाते हुए आपकी कार देखी तो सोचा कि आपसे मिलूं। एक मिनट सर, मैं आता हूँ। हाउ आर यू सर? फाइन। घर कैसा लगा सर? तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तुम घर के बाहर प्यार ही जिंदगी है ये बोर्ड लगाओगे क्या? सर, शाहजहां ने अपने प्यार मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। उसे देखकर आज भी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन मुमताज के लिए शाहजहां ने खूबसूरत ताजमहल बनवाया ये बात उन्हें पता ही नहीं चली सर। लेकिन यहाँ जो ताजमहल मैं बनवा रहा हूँ वो दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे प्यार के लिए है। क्या सर, आप कुछ भी कहे बिना चुपचाप खड़े हैं? आप सोच रहे होंगे मैं क्या पागलों की तरह बके जा रहा हूँ। नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि वो लड़की आपको प्यार करती है या नहीं। ये जाने बिना उस लड़की के लिए आपने इतना बड़ा घर बनवा दिया, ये आपको कैसे पता सर? टीवी में आपका इंटरव्यू देखा था। ओह, आपके इतने आगे बढ़ने का कारण आपका सच्चा प्यार है। लेकिन उस प्यार ने आपको स्वीकार किया कि नहीं ये बताए बिना ही आपने अपना इंटरव्यू खत्म कर दिया था। आज आपके प्यार को उसने स्वीकार कर लिया है क्या? सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जरूर स्वीकार करेगी। सॉरी, मैं जो पूछ रहा हूं उसे गलत मत समझना। अगर उसने आपका प्यार स्वीकार नहीं किया तो मर जाऊंगा सर। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी जिंदगी को बदलने का कारण आपका सच्चा प्यार हो सकता है, और आज आप इस मुकाम पर हो कि हजारों लोगों की जिंदगी आप यूं ही बदल सकते हो। इतनी तरक्की करने के बाद आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए आप जान दे दोगे? ये तो बिल्कुल पागलपन है सर। आफ्टर ऑल वो एक लड़की है, आप ऐसा मत कहिए। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे साथ आएंगे? आइए। ये देखिए सर, आज मैंने जितनी तरक्की की है ये सब इसकी वजह से। मेरे जीवन को सही दिशा देने वाली यही वो लड़की है सर। जिस दिन प्रिया ने मुझसे पूछा कि मेरा जीवन में क्या लक्ष्य है, उसी दिन से मैंने खुद को समझा है। मेरी जिंदगी बेरंग थी, उसी ने रंग भरे हैं सर, और उसी को आप आफ्टर ऑल कह रहे हैं सर। यही मेरी जिंदगी है, इसी से मैं प्यार करता हूँ सर। अगर आप इससे बस 10 मिनट बात करेंगे ना तो ये लड़की आपको पहले क्यों नहीं मिली इस बात का अफसोस करेंगे सर। मेरी जिंदगी का आगाज करने वाली वो लड़की अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, ये वो भी जानती है सर। आपको एक बात पता है, जिसने मुझे जान देने से रोक लिया और जीने को कहा, क्या वो मेरी जान ले लेगी? आज मैं इस दुनिया में जीतना चाहता हूँ सिर्फ मेरे प्यार को, उसी की वजह से ये शोहरत मिली है। लेकिन मेरी शोहरत से भी ज्यादा मेरी प्रिया मुझे अजीज है। अब आप ही बताइए सर, मेरा प्यार हार जाएगा क्या, ऐसा आपको लगता है? जो सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं हारता। थैंक यू सर। आपने अपने दुख को बड़ी आसानी से बता दिया। अगर आप यह कहती कि मैं अशोक को छोड़कर किसी और से शादी करूंगी तो हम लोग आपके पैर पकड़ लेते, लेकिन आपने बताया कि आप किसी और से प्यार करती हैं, इसीलिए अब हम क्या करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है।
आपके बारे में सोच कर मुझे गर्व हो रहा है। दुनिया में कितने ही आदमियों के मरने का कारण उनकी प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन मेरे यार की तरक्की के पीछे आप हो, सिर्फ आप हो। उसके मरने की वजह कहीं आप ना बन जाओ, इसलिए आपने उसे झूठ बोला ना। उस एक झूठ ने उसकी जिंदगी संवार दी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, मैं उसे समझा लूंगा। ए, शॉप पर क्यों नहीं गए? तुम लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ देखो, मैं बताना भूल गया, हम लोग एक नया ब्रांच ओपन करने वाले हैं और उस ब्रांच का नाम प्रिया के नाम से रखने का डिसाइड किया है। ए, क्या हुआ? कब से देख रहा हूं तुम सब चुप खड़े हो। यार, यहां तक पहुंचने के लिए हमने कितनी तकलीफ उठाई है, याद है? कितनी भी मुसीबतें आईं, लेकिन हम आगे ही बढ़ते गए, पलट के नहीं देखा। आज ये सब क्यों याद आ रहा है? नहीं यार, लास्ट टाइम अन्ना नगर में ब्रांच ओपन करने के लिए हमने 30 लाख रुपए एक फाइनेंसर से उधार मांगे थे, लेकिन उसने एन वक्त पर धोखा दे दिया। उसके धोखा देने के बावजूद भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराए, तय किए हुए डेट पर ही हमने ब्रांच ओपन की। अशोक, हमें बेवकूफ बनाने वाले इस दुनिया में भरे पड़े हैं दोस्त। अरे क्या हुआ इसको, सुबह सुबह ऐसा बक रहा है? अशोक, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यार, दिल को थाम के रखना, हम लोग जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में भी कभी कभी हार जाते हैं, उसी तरह तुम भी एक चीज में हार गए हो दोस्त। अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूं उसे सुनकर तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, ऐसा वादा कर। ए, तू पहले बात पूरी कर। अशोक, प्रिया तुझसे प्यार नहीं करती। हाँ, और कुछ? सच बोल रहा हूं मैं, तुम कहीं आत्महत्या ना कर लो इसलिए उसने तुमसे ये बात कही थी, वो तुझसे प्यार नहीं करती यार। किसने कहा तुमसे? किसने कहा तुमसे, बताओ? प्रिया ने खुद कहा। नो, झूठ बोल रहा है। देखे, झूठ बोल रहा है ये। मेरी प्रिया मुझसे कभी धोखा नहीं करेगी। देख, झूठ बोल रहा है ये। मेरी प्रिया मुझे धोखा नहीं दे सकती, धोखा नहीं दे सकती, नहीं। तुम सब मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं है तुम पर। प्रिया मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, नहीं, नहीं। मेरी बात सुनो, रिलैक्स यार, ऐसा नहीं कह सकते। अरे ये तो मजाक कर रहा है यार, नहीं बोल सकती। क्यों आ रहे हैं? मेरी बात सुन। आज अप्रैल फूल है ना, इसलिए ये लोग तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग देखना चाहते थे कि तू प्रिया से कितना प्यार करता है, मजाक करने पर क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए तुझसे मजाक कर रहे थे। तू बुरा मत मान यार, प्लीज यार, सॉरी यार। मजाक कर रहे थे, ऐसा होता है मजाक? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ और नहीं मिला तुम्हें? वो मुझे नहीं मिलेगी ये बोलकर क्या खुशी मिली तुम्हें? सॉरी यार अशोक। पागल कहीं का, 3 साल पहले जैसे कहता था कि मर जाऊंगा, उसी तरह आज भी बात करता है। प्रिया, तुम अब तक मुझसे 1000 बार आई लव यू कह चुकी हो, लेकिन उससे तुमने कभी आई लव यू नहीं कहा। तुम एक ना एक दिन उसे आई लव यू जरूर बोलोगी, इसी विश्वास पर उसने अपनी जिंदगी बदल के रख दी। प्रिया, मैं तुमको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम अगर मुझे नहीं मिली तो मैं सोचूंगा कि तुम मेरे नसीब में नहीं थी, या फिर विधि में हमारा मिलना तय नहीं था, ये सोचकर मैं दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा। क्योंकि जिंदगी को प्रैक्टिकली देखने की समझ है मुझमें, लाइफ की वैल्यू क्या होती है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसमें तो इतनी से भी मैच्योरिटी नहीं है प्रिया। अगर तुमने उसे ना कह दिया होता तो वो उसी दिन मर जाता, उसके माँ बाप, उसके फ्रेंड्स और उसके पड़ोसियों को ही ये बात पता चलती। लेकिन आज अगर उसे कुछ होता है तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा प्रिया, क्योंकि आज वो इंसान बहुत बड़ा आदमी बन चुका है प्रिया। अगर इस वक्त तुम उसे नहीं मिली प्रिया तो वो मर जाएगा और उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी प्रिया। ऐसा मत करो प्रिया, तुम्हारे प्यार की वजह से वो जी रहा है, अपने प्यार के चक्कर में तुम उसे धोखा मत दो। प्रिया, अगर तुम किसी गलत आदमी के साथ शादी करोगी तो वो मुझे मंजूर नहीं होगा, लेकिन अशोक मुझसे ज्यादा तुम पे जान छिड़कता है। अशोक, उसके साथ तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बिता सकती? इस दुनिया में दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ी संतुष्टि है, मेरी बात मान जाओ प्रिया। ए, ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो अरविंद? क्या पागलों की तरह बात कर रहा हूँ? तुमने उस दिन अशोक से क्या कहा था कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, फिर तुम मुझसे बात करना।
आज वो सारी दुनिया से कह रहा है कि उसके संघर्ष के पीछे तुम हो प्रिया, और तुम हो कि उसके प्यार को ठुकरा कर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो प्रिया। ये पागल बने प्रिया। उस दिन तुम्हारी सहेली के भाई ने जो फैसला लिया था, आज वो फैसला कहीं अशोक न ले ले, उसके लिए तुम्हें अशोक के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता प्रिया। यस प्रिया, अगर उसने मेरे प्यार की वजह से अपनी जान दे दी तो मुझे मंजूर नहीं होगा। लुक, तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करती हो प्रिया तो तुम्हें अशोक के साथ शादी करनी होगी। आप भी शगुन की थाली उठाकर इनको दे दीजिए। प्रिया एक मिनट। सर, प्रिया, सर का नाम अरविंद है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सर, शादी की खुशी है ना, तो थोड़ी टेंशन में है। सर, आज आपको बिल्कुल यहां से हिलना नहीं है, शादी पूरी होने तक आपको मेरे साथ रहना है। ओके, चलो प्रिया। अशोक वेट्स प्रिया, ये कैसे हो गया? ये तो वही गुंडा है, ये दूल्हा कैसे बन गया? कैसे? Thank you.
ब्रदर, हेलो ब्रदर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? प्रिया उससे शादी क्यों कर रही है? वो तुम्हें भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, ये हो क्या रहा है? प्लीज बोलो, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? भाई तुमने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया और अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने आया हूँ। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ कोई बवाल खड़ा मत करना और चुपचाप यहाँ से चले जाना। ए, भाई तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? प्यार को त्याग दिया क्या? अरे पापी, वो त्याग अगर तूने मेरे लिए किया होता ना तो मैं तेरा मंदिर बना के तेरी पूजा करता। प्रिया ना तुझे मिली ना मुझे मिली, वो समझौता कराने वाला कालिया लेके चला गया। ए, पहले तुम यहाँ से बाहर जाते हो कि नहीं? अभी तुम खुद बाहर के आदमी हो, मुझे बाहर कर रहे हो। ये देख, ये ड्रेस दिख रहा है, ब्लैक एंड ब्लैक, किसी की नजर ना लगे इसलिए। जैसे ही मैंने देखा प्रिया की शादी काली से होने वाली है तब का पहना अभी तक नहीं उतारा। जानना चाहता क्यों? क्योंकि शायद कोई चांस मिल जाए। प्रिया की शादी अभी तक उससे हुई नहीं है, तुम जानते हो। शायद शादी के समय वो पलट जाए, इसी उम्मीद से मैं यहाँ काले कपड़े पहन कर आया हूँ। मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? शादी एक ही बार होती है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। देखो दोस्त, अब प्रिया से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये बात तुमने खुद बताई है, इसलिए ये चांस मैं मिस नहीं कर सकता। डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ, ओके? गो 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 गो। तो इज्जत से जाता है या फिर पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को क्या ब्रदर, प्यार से बोलोगे तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? बॉस, एज ए फ्रेंड मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, इस लड़की को छोड़ दो। बॉस, तुम्हारी पर्सनालिटी पर हजारों लड़कियां मर सकती हैं। क्या चॉकलेटी फेस है बॉस? मेरी बात सुनो, कल सुबह एक अच्छा सा ड्रेस पहनना है, उसके बाद किसी सुंदर लड़की के घर जाना, वो तुम्हें देख के पक्का तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगी, फिर तुम उस लड़की को छोड़ देना। एटलीस्ट मेरे लिए भी तो एक लड़की सेट करके दो ना मेरे बाप। ए, चल जाना। थैंक यू। यहाँ से जाना। थैंक यू वेरी मच। ये कैसा है? अच्छा यार। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? ये भी अच्छा है। तीनों अच्छे हैं तो मैं क्या पहनूं? बहुत कंफ्यूजन है। मिस्टर अशोक, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ए अशोक, कंफ्यूज मत हो, सर से पूछ ले, ये फटाक से बता देंगे। क्या कंफ्यूजन है? कुछ नहीं सर, शादी में कौन सी शर्ट पहने यही कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? शादी के लिए व्हाइट शर्ट व्हाइट धोती, बस हो गया ना सर। वो तो आम शादियों में होता है सर, लेकिन इस शादी में प्रिया को सब कुछ पसंद आए ऐसी मेरी इच्छा है। मैं जो कपड़े पहनूं वो भी प्रिया को पसंद आने चाहिए। तो फिर प्रिया से ही पूछ लीजिए। पूछ सकते हैं सर, लेकिन थोड़ा ऑड लगेगा, मैं दूल्हा हूँ ना। तो फिर इसे भेजो ना। इसे? ये देखिए खुद ही कितना शर्मा रहा है सर। सर आप भी तो मेरे फ्रेंड है सर। हाँ? सर आप ही प्रिया के पास जाकर पूछिए ना कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। वो क्या है कि सर ये वो छोड़ दीजिए, ये लीजिए सर, मेरे लिए इतना नहीं करेंगे, पकड़िए। आज अशोक की शादी है तो कौन सी शर्ट पहनूं इसको लेकर छोटा कंफ्यूजन है। जो शर्ट वो पहनेगा वो तुमको भी पसंद होनी चाहिए। कौन सी शर्ट तुम्हें पसंद है तुम ही सिलेक्ट करके बता दो तो मैं उसे बता दूंगा। ये तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारी अशोक के साथ शादी हो जाएगी, अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। प्रिया इस बीते हुए प्यार को एटलीस्ट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। प्रिया माँ बाप के मर जाने के बाद हमें जो दुख होता है उसे हम सह लेते हैं। प्रिया प्रिया कहीं मेरे कहने पर तुम अशोक से शादी करने के बाद आफ्टर मैरिज तुम अशोक को कहीं दुखी ना रखो, इसी बात से मुझे डर लग रहा है। मुझसे वादा करो तुम अशोक के साथ जिंदगी भर खुश रहोगी, वादा करो मुझसे।
जिस प्यार को मैंने अपनी जिंदगी समझा था वही प्यार आज मेरी जिंदगी मिटाने के लिए आया है। तुम भी मुझे वचन दो अरविंद कि तुम भी एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लोगे और शादी करते समय उस शादी का निमंत्रण पत्र मुझे नहीं भेजोगे, वादा करो। अगर उसने आपका प्यार स्वीकार नहीं किया तो? सच बोल रहा हूं मैं, तुम कहीं आत्महत्या ना कर लो इसलिए उसने तुमसे ये बात कही थी। वो तुझसे प्यार नहीं करती यार। बोलो अरविंद, मैं प्रिया बोल रही हूं। क्या अशोक, आप यहाँ खड़े हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। हेलो, प्रिया को सफेद धोती और सफेद शर्ट बहुत पसंद आई है। आइए आओ यार। प्रिया, 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 कौन है? बोलो प्रिया, ये कौन है? क्यों प्रिया, तुम्हारे अंदर इनके लिए सच्चा प्यार रहते हुए बस मेरी जिंदगी अच्छी तरह चले और मैं इस मकाम तक पहुंच पाऊं, इसीलिए तुमने अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया और ये बलिदान देकर तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो। मैं कौन हूं बोलो, बताओ मुझसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? भगवान ने गलती कर दी प्रिया, जो हमें मर्द पैदा कर दिया। बस अच्छी लड़की दिख जाए तो मन को भाने लगती है, लेकिन वो लड़की हमारे स्वार्थ के प्रति हमसे प्यार करने लगती है और हम उसे सच्चा प्यार मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस लड़की की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, वो भी किसी से प्यार कर सकती है, वो भी अपना दिल किसी और को दे सकती है। हम दो दिन किसी लड़की को देखते हैं, तीसरे दिन अगर उसने हमें नहीं देखा तो हम सोचने लगते हैं कि शायद उसे हम पसंद नहीं आए, अपने आप में खोट ढूंढने लगते हैं, पर उस लड़की के मन में क्या है नहीं सोचते।
शायद हमसे पहले वो किसी और से प्यार करती हो, या हो सकता है उसके पीछे घूमने वाला उसे पसंद ना हो, मगर उसकी चिंता किए बगैर बस तू चाहिए ऐसी जिद करते रहते हैं। लड़की का दिल जाने बगैर उससे प्यार करना प्यार नहीं होता, ये मैं समझ गया हूँ प्रिया। कितनी बार तुमसे कहा कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कहकर तुम्हें ठेस पहुंचाई। हकीकत बताता हूँ, अगर उस दिन तुमने मुझसे कहा होता कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं सचमुच मर जाता। तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मुझे एक इंसान भी बनाया। अच्छा हुआ ये बात आज पता चली, अब मैं मरूंगा नहीं प्रिया, मगर अगर ये बात शादी के बाद पता चलती तो मैं उसी वक्त मर जाता। क्यों प्रिया, जीवन क्या होता है ये पता नहीं था, जिंदगी का मतलब समझाने वाली तुम हो, इसी तरह तुम्हारे प्यार के बारे में भी तुम मुझे बता सकती थी ना। तुम किसी से प्यार करती हो ये जानने के बाद क्या मैं तुम्हें चाहूंगा प्रिया? क्यों सर, जन्म देने वाले माँ बाप मर जाते हैं तो भी उस दुख को सहन करके हम जी लेते हैं ना, दुख को समझकर बर्दाश्त करने वाला ये दिल मरने तक उन्हें ही याद करते रहता है। सर प्यार भी कुछ वैसा ही होता है, जिस दिन एक लड़की ने अपना दिल आपको दे दिया उसके बाद वो मरे भी तो आपके चरणों में ऐसी उसकी इच्छा होती है, ऐसा होते हुए आपको जान से ज्यादा प्यार करने वाली इस लड़की को छोड़ने के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? आप चाहें जो त्याग करना है कर लीजिए, मगर प्यार का त्याग कभी मत करना, क्योंकि त्याग करने के बाद प्यार प्यार नहीं होता। क्यों प्रिया, हमारी जान लेने का हमें हक नहीं है, ऐसा तुम्ही ने कहा था है ना? ठीक उसी तरह हमारे अंदर के प्यार को मिटाने का हक भी हम लोगों को नहीं है। जिंदगी में किसी एक को खुश रखने के लिए आप जो ये प्यार का त्याग कर रहे हैं ये आपसे प्यार करने वाले के खिलाफ पाप है। आप उनके बारे में सोचकर किसी और के साथ जी लोगे, पर जब तक ये जिंदा रहेंगी इनके मन में बस आप ही रहोगे। आपको जान से ज्यादा चाहने वाली इस लड़की को मैं कैसे स्वीकार कर लूं सर? अपने अंदर पल रहे प्यार को मारना और पेट में पल रहे बच्चे को मारना दोनों एक समान है। जिस दिन दो दिल मिलकर प्यार को पा लेते हैं उस दिन उनके प्यार का जन्म होता है, और अगर देखा जाए तो मेरे प्यार का जन्म ही नहीं हुआ। एक तरफा प्यार करने वाले मुझ जैसे के लिए सच्चा प्यार करने वाले तुम दोनों तड़प तड़प कर त्याग कर रहे हो। आपका प्यार मेरे प्यार से बहुत बड़ा है सर। इस दुनिया में कोई भी चीज मिटाई जा सकती है लेकिन प्यार को नहीं मिटाया जा सकता, उसे अपना लीजिए सर। अशोक, यू आर ग्रेट।
नहीं सर, आजकल तो लोग ऐसे ही प्यार कर बैठते हैं, उस प्यार में कोई मतलब नहीं होता। पर आपने किसी को खुश रखने के लिए अपने प्यार का बलिदान कर दिया था। यू आर ग्रेट सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विथ योर परमिशन। प्रिया, इस घर में तुम रहो ऐसा सोचा था, पर अब आप दोनों इसमें रहें ऐसा चाहता हूं। प्लीज। रोड क्रॉस करने की दूरी तक तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन आखिर तक तुम्हारा साथ निभाने वाली यही छड़ी है।